दोस्तों, आज हम जानेंगे जो एलटी में आपने इमेज देखे होंगे उनमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड जैसे हिस्टेसिस है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, हिस्टेसिस, आखिर ये हिस्टेसिस होता क्या है? ठीक, और ऑफसेट, ठीक है, हिस्टेसिस ऑफसेट क्या चीज़ होती है? ठीक है, और एक चीज़ होती है थ्रीसोल्ड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है थ्रीसोल्ड। आखिर ये तीन चीज़ें होती क्या हैं? पहला हिस्टेरेसिस क्या होता है, दूसरा ऑफसेट क्या होता है, ठीक है, और तीसरा थ्रीसोल्ड क्या होता है। ठीक है, ये आपका जब भी इवेंट्स जानने की कोशिश करते हैं तो ये तीन वर्ड्स आपके सामने आ ही जाते हैं। एलटी में जो इवेंट्स होते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, इस तरीके के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, मेजरमेंट इवेंट्स जितने भी हैं, अगर उन्हें आप देखते हैं तो आपके सामने ये जो आपके वर्ड्स हैं ये फेस हो ही जाते हैं। ठीक है, तो जानते हैं वन बाय वन। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक मैंने पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे जैसे QO हिस्टेरेसिस कितना है 2 dB, ठीक है, और यहाँ पे ऑफसेट, ठीक है, ये आप ऑपरेटर अपने आप से फिक्स करता है इस वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे QRX लेवल मिनिमम जो कि C3 में मिल जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू आप कितनी रखेंगे, -43 कितनी रखते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको C3 में मिल जाएगी। हम बात करते हैं हिस्टेसिस की। ठीक है, हिस्टेसिस एक पैरामीटर होता है जो कि यूज़ किया जाता है नेबर सेल के लिए, ठीक है, नेबर सेल जो होता है उसको ख़राब दिखाने के लिए, ठीक, जो हमारी करंट मेजरमेंट वैल्यू है उससे ख़राब दिखाने के लिए, ठीक, जो है क्या बोलते हैं हिस्टेसिस है वो यूज किया जाता है। और ये किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है? ये हेल्प करता है टू यू ई मेक श्योर दैट नेवर सेल इज स्ट्रोंग, ठीक है, नेवर सेल इज स्ट्रोंग एनअप एंड इफ नेटवर्क ट्रिगर्स हैंड ओवर आफ्टर रिसीविंग द मेजरमेंट रिपोर्ट फ्रॉम द यू ई हैंड ओवर टू टारगेट सेल विन सक्सेसफुल। ओके, अगर हम बात करें ऑफसेट की, व्हाट इज ऑफसेट? सो वी कैन से ऑफसेट इज ए पैरामीटर दैट मेक सर्विंग सेल लुक बेटर देन द एक्चुअल मेजरमेंट। ओके, लुक बेटर देन द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ इट कंपेयर टू नेबर सेल। एंड इफ यू टॉक अबाउट थ्री सोल्ड, इस यू कैन सी हेयर B1 थ्री सोल्ड यूट्रा सेम। थ्री सोल्ड इज यूज वेन मेजरमेंट ऑफ बोथ सेल्स आर नॉट कंपेयर्ड एंड वाइल टेकिंग डिसीजन टू ट्रिगर मेजरमेंट रिपोर्ट बोथ और वन सेल मेजर्ड इंडिपेंडेंट, मेजर्ड इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हम बोल सकते हैं इवेंट A1। इवेंट A1 आप पढ़कर देखना उसमें क्या चीज़ होती है, ठीक है, इवेंट A1 जो होता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो इवेंट A2, ठीक है, इवेंट A2 क्या होता है ये चीज़ पढ़ के देखना। जितने भी इवेंट्स हैं एलटी के, ठीक है, वो आप एक बार सभी को पढ़ के देखने हैं। ठीक, देखिए हमारे यहाँ पे सर्विंग सेल क्या था, ये था, सपोज कीजिए यहाँ पे ये 70 है, ठीक है, -70 dBm है इसकी वैल्यू सर्विंग सेल की। तो यहाँ पे जो 2 dB का हिस्टेसिस ऐड कर दिया है, यानी जो सर्विंग सेल है वो इससे अच्छा दिखाया जाएगा, ठीक है, जो है उससे अच्छा दिखाया जाएगा। ठीक, तो ये तीन वर्ड्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं जानने, हिस्टेसिस ऑफसेट थ्रीसोल्ड, ठीक है, हिस्टेसिस ऑफसेट थ्रीसोल्ड। फिर से जान लीजिए हिस्टेसिस क्या होता है। हिस्टेसिस इज द पैरामीटर विच इज़ यूज टू मेक नेबर सेल लुक वर्स देन द करंट मेजर्ड वैल्यू। इट हेल्प्स टू यू टू मेक श्योर दैट नेवर सेल इज स्ट्रॉन्ग एनफ एंड इफ नेटवर्क ट्रिगर्स हैंड ओवर आफ्टर रिसीविंग द मेजरमेंट रिपोर्ट फ्रॉम द यू हैंड ओवर टू टारगेट सेल, ठीक है, हैंड ओवर टू टारगेट सेल विल सक्सेसफुल। वॉट इज ऑफसेट? ऑफसेट इज द पैरामीटर दैट मेक सर्विंग सेल लुक बेटर देन द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ इट कंपेयर टू नेवर सेल। एंड थर्ड वन इज थ्री सोल्ड। दिस वन थ्री सोल्ड इज यूज वेन मेजरमेंट ऑफ बोथ दी सेल्स आर नॉट कंपेयर्ड, बोथ दी सेल्स मीन्स सर्विंग और टारगेट सेल
are not compared, and while taking decision to trigger measurement, trigger measurement report, both or one cell measured independent. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल दिए हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ के देख लीजिएगा. यही होता है आपका हिस्टरेसिस ऑफसेट एंड थ्रेशोल्ड. ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.